दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, खुश हैं और इसी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जी हां, अंतिम प्रहार की सीरीज में मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर, 5th आउट ऑफ 11th क्वेश्चन के ऊपर मैं आ चुका हूं। 11वें तक आज ही जाना होगा क्योंकि कल तो अपना एग्जाम है। तो जल्दी से सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। इससे पहले फिर से वही बात जो मैं बार बार बोलते आया हूं कि डिटेल वीडियो देख के जाना, इन्हीं के भरोसे मत बैठना। ये आ रहे हैं, हमारी किस्मत अच्छी चल रही है, सब आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का, लेकिन डिटेल वीडियो देख लोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अपन जल्दी से क्वेश्चन पे निकलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, क्या चार्ट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले जरा सा ये जान लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो दोनों पार्टी एग्री होती हैं बेसिकली कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए। अब ये रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, बट बेसिकली ये डेफिनेशन के अंदर हम रिटर्न और वर्बल, नॉन वर्बल दोनों, रिटर्न और वर्बल दोनों लिख देते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज एग्री होती हैं और इन द आईज ऑफ द लॉ ये वैलिड होता है। ये बेसिक इसकी एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। लॉ की डेफिनेशन अलग है, लेकिन आपको याद रखना है कि दो पार्टीज किसी म्यूचुअल वर्क को करने के लिए जो इन द आईज ऑफ द लॉ वैलिड है वो रिटर्न या ओरल डॉक्यूमेंट साइन करती है, लेकिन जो सर्टेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिटर्न राइटिंग में होते हैं। ठीक है ना, और ये एग्रीमेंट का नेक्स्ट टाइप होता है। मतलब एग्रीमेंट छोटा है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। एग्रीमेंट के अंदर अपन ने फाइनलाइज नहीं किया है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइनलाइज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियोस के अंदर डिटेल में मैं बता चुका हूं। अभी अपन इसके शॉर्ट नोट्स में सीखेंगे कि इसका क्विक रिवीजन करते हैं तो कैसे करते हैं और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का होता है। तो अपन सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर तो यहां नहीं डिलीवर हो पाएगी क्योंकि ये अपन रिवीजन मोड पे है, वो भी अपन कौन से रिवीजन पे, अंतिम प्रहार के। तो इसके मैं सारे आपको पॉइंट्स बता दूंगा, मतलब ये यहां याद करने की बात हो रही है ना, और साथ के मैं आंसर बता दूंगा। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, समझ में नहीं आया, ऐसा आप सोचोगे भी नहीं। ठीक है, डिटेल वीडियो के बाद यहां पर आओगे, यहां पर रिवीजन हो जाएगा। अब ये कौन से कह रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए पहला कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन है मोड के अकॉर्डिंग, दूसरा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और तीसरा वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। मोड, परफॉर्मेंस और वैलिडिटी, मोड, परफॉर्मेंस एंड वैलिडिटी। अब देखिए मोड का मतलब ये कि हुआ कैसे, माध्यम क्या रहा। जैसे कि अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ तो ऑफलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, अभी अपन किसका मोड का यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं। कभी ब्लैक बोर्ड यूज होता है, कभी व्हाइट बोर्ड यूज होता है, कभी ग्रीन बोर्ड यूज होता है। तो दैट इज बेसिकली मोड की, कौन से मोड का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, माध्यम कौन सा। परफॉर्मेंस यानी कि दो पार्टी होती है, दो या दो से ज्यादा, पर मिनिमम कितनी पार्टी होनी चाहिए, दो, यानी मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा कितनी पार्टी होनी चाहिए, मिनिमम टू। मैं आनंद व्यास खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो परफॉर्मेंस यानी कि दो पार्टी ने कुछ परफॉर्म किया होगा, या तो एक ने किया होगा या दूसरी ने किया होगा या दोनों ने नहीं किया होगा या थोड़ा थोड़ा दोनों ने कर लिया होगा, तो ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तीसरा वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब ये लाइफ टाइम वैलिडिटी, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ वाली वैलिडिटी, 1 ईयर प्लान वाली वैलिडिटी नहीं। मतलब इन द आईज ऑफ लॉ, वैलिडिटी का क्या मतलब है, इन द आईज ऑफ, वैलिडिटी का मतलब है इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कानून की निगाह के अंदर वो वैलिड है कि इनवैलिड है, कि वॉइड है, कि वॉइडेबल है, कि क्या है, वो वैलिडिटी कहलाती है। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इन तीनों पॉइंट के सारे सब पॉइंट्स एक साथ समझा दूंगा, ऐसे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहला आपने मोड देखा, मोड यानी माध्यम, यानी कि यहां पे जो मोड है ये अपना स्टैटिक्स वाला मोड नहीं है, यहां पे मोड है अपना कि किस वे से करा जा रहा है, कौन सा मीडियम यूज किया जा रहा है। तो पहला है एक्सप्रेस, जब दो जने बोल के बता दें, जब दो जने बोल के बता दें कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमको करना है, यानी कि एक्सप्रेस,
एक्सप्रेस का क्या मतलब हुआ कि अपन ने एक्सप्रेस कर दिया यानी किसी को बोल दिया, तो एक्सप्रेस कैसे हो सकता है, या तो आप रिटर्न कर दो या ओरल कर दो, है ना, दो ही तरीके से, या इशारों इशारों में अपनी बात बता दो। एक होता है टैकेट, इसी के अंदर आता है टैकेट। टैकेट का मतलब होता है इशारों इशारों में अपनी बात बताना, इधर आना। तो उसने कहा ठीक है, अपन चाय पीने गए हम थड़ी के ऊपर, यहाँ जयपुर राजस्थान में थड़ी बोलते हैं, चाय की टपरी बोला जाता है कहीं, तो कहीं थड़ी बोला जाता है। तो चाय की थड़ी पर चाय पीने गए, तो चाय वाले ने हमको देखा, हमने चाय वाले को देखा और बोला ऐसे, फिर बोला कभी ऐसे, कभी बोला ऐसे। तो उसका क्या मतलब हो कि चार चाय लेकर आ जाना। तो ये हमने कुछ बोला नहीं, हमने जिबान का एक वर्ड नहीं निकाला, एक कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं दिया, केवल इशारा किया ऐसे चार। तो ये क्या है, टिकट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या ये रिटर्न हो सकता है लिख के दे दो, या ये ओरल हो सकता है बोल दो, या इशारा कर दो। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, एक्सप्रेस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सप्रेस हो गया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बोला भी नहीं जाता, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें बोला भी नहीं जाता, इंप्लाइड में बोला भी नहीं जाता और स्वतः ही हो जाता है। सर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं होगा और वो हो जाएगा। आप जैसे ही दौड़ते हुए ट्रेन की बस, सॉरी ट्रेन में तो दौड़ते हुए मत चढ़ा करें, बस में दौड़ते हुए भी मत चढ़ा करें, लेकिन कभी अगर बस छूट रही हो तो दौड़ते हुए आपने बस पकड़ी, जैसे ही आपने बस में कदम रखा, आपके और जो वहां पर कंडक्टर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको जहां तक जाना है आप वहां तक का पेमेंट करेंगे और बदले में वो आपको टिकट देगा। ठीक है, सीट दे या ना दे पर वो टिकट देगा आपको, तो देट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो स्वतः हो जाते हैं। मतलब आपके कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई इवेंट हुआ है जिससे वो ऑलरेडी हो गए, जैसे कि ये एक इंप्लाइड का एग्जांपल हुआ। इसके अलावा इंप्लाइड का एग्जांपल, मैं मेरे दोस्त की दुकान पे गया और दोस्त की दुकान पे जाते जाते मैं मेरा मोबाइल वहां पे भूल आया, तो मैं भूल आया, तो जब मैं घर आया तब मुझे याद आया कि मैंने यार मोबाइल वहां पे छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त को और मेरे बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेरा दोस्त को मेरा मोबाइल रिटर्न करना होगा, या उसके बदले में मुझे इंडेमनिटी चार्ज करना होगा अगर उसने वो मोबाइल घुमा दिया है तो, या वो बेच दिया है तो, है ना। वैसे तो बेच सकते हैं, घुमा तो सकते नहीं है, दोस्त हमारे सबके अच्छे होते हैं। ठीक है, और तो क्या हुआ, तो उसके और मेरे बीच में क्या हुआ, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि स्वतः कोई सर्कमस्टेंसेस से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आ जाता है। अब तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, थोड़ा सा इसकी मैं बच्चों को दिक्कत आती है तो इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, कहां गए, एक्सप्रेस इंप्लाइड, ये रहा क्वासी। The types of obligation are not agreed by operation of the law. यानी कि quasi contract क्या है? ये भी सेम है कि मैं मेरी शॉप पे गया और उसको रिटर्न करके गया। अब इसके अंदर क्या होता है? Operation by law आ जाता है। यानी कानून ने कुछ कह दिया कि आपको ये एक्ट करना पड़ेगा। कानून ने कहा कि आनंद व्यास को इस पर्टिकुलर मिस्टर पिंटू का, जो उसने बार बार मजाक बनाता है, इसको उसके मान हानि के लिए 1,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो यह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब याद रखना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्वासी भी हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आती। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। जो एक्सप्रेस है, मान लो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मैं लिख के उसकी दुकान पे छोड़ कर आया, तो कोई कहेगा कि सर लिख कर आए तो वो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो क्वासी नहीं हुआ। लेकिन वो क्वासी भी हुआ, वो एक्सप्रेस भी हुआ। तो अपन को क्या मानना है, जो ऑपरेशन बाय लॉ हुआ, यानी गवर्नमेंट ने, लॉ ने कह दिया, कहां गया, जो गवर्नमेंट ने कह दिया या कानून ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के मध्य होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ इंडेमनिटी हमारे ऊपर चार्ज कर दी,
कुछ उसको पेमेंट करने का चार्ज कर दिया या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही बन गया। जैसे कि आपने कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा तो आपके और कॉलेज के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि आप उस कॉलेज की फीस भरेंगे, है ना। तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्वासी भी हुआ और इसी तरीके से एम्प्लॉयड भी हुआ। अगर इसमें लॉ का ऑब्लिगेशन आ गया है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एम्प्लॉयड भी क्या है, स्वतः कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब इसे कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने बस का एग्जांपल दिया था ना आपको, वही वाला। अब ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं, कौन से मोड से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जब हम इसको डिजिटल मोड से करता हूं तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब ई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा या और ऑनलाइन किया गया तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। देखो इसलिए कंफ्यूज मत होना, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट एक डेफिनेशन लिख देना, काम खत्म। वापस से शुरू कर देते हैं। ई आई क्यू ई एक्सप्रेस, जिसके अंदर हमको रिटर्न करके देना है या ओरल करना है या टिकट करना है, ठीक है। इंप्लाइड, जो स्वतः ही हो जाते हैं विद द कोर्स ऑफ एनी एक्शन। क्वासी, जो ऑपरेशन बाय लॉ होते हैं, यानी कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो या लॉ के थ्रू, ऑब्लिगेशन के थ्रू कंप्लीट होते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट, जब कोड मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, यानी कि डिजिटल मोड से किए गए कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में कितनी पार्टी होती है, टू पार्टी होती है। कितनी पार्टी होती है, टू पार्टी होती है, बराबर बात है, ठीक है। अब दो पार्टी क्या क्या करेगी, दो पार्टी में कितना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है। दोनों अपना जो परफॉर्मेंस है, वर्क है, वो फुलफिल कर ले। जैसे कि ए ने बी से वादा किया है कार देने का और बी ने उसको वादा किया है 2 लाख रुपए देने का। सेकंड हैंड कार बेच रहा है और बदले में वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो जब दोनों ने अपना वादा पूरा कर लिया तो वो कहलाया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाया, एग्जीक्यूटेड, यानी कि बात पक्की हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट का समापन हो चुका है, ठीक है। दूसरा कहलाया एग्जीक्यूटरी, यानी दोनों अभी वो वादा पूरा करना बाकी है। दोनों ने, एक ने ना तो कार दी है ना दूसरे ने पैसा दिया है, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूटरी, यानी फ्यूचर में बात चली गई। एक पास्ट टेंस था, एक फ्यूचर टेंस है। तीसरा पार्शली एग्जीक्यूटेड, पार्शली एग्जीक्यूटरी, यानी एक ने कार दे दी है, एक का पैसा बाकी है, या कुछ पेमेंट दे दिया डाउन पेमेंट का, कुछ आगे पेमेंट बाकी है, यानी कि कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या कह रहा है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल बायलैटरल क्या है, यूनिलैटरल का मतलब कि किसी एक पार्टी का काम बाकी है, वन पार्टी रिमेन। क्या बाकी है, वन पार्टी, एक पार्टी ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा नहीं किया, यानी कि एक ने कार दे दी है लेकिन दूसरे ने क्या नहीं दिया है, दूसरे ने पैसा नहीं दिया है। और इसी के सिमिलर बायलैटरल, यानी दोनों ने अपना फुलफिल नहीं किया। अब बायलैटरल है वो एग्जीक्यूटरी भी है, क्योंकि दोनों ने अपना काम नहीं किया है तो वो एग्जीक्यूटरी है, यानी कि एग्जीक्यूट होना बाकी है, और इसलिए बायलैटरल हो गया। समझ में आया ना, यूनिलैटरल एक ने काम बाकी है, बायलैटरल दो का काम बाकी है, पार्शली दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया या किसी एक ने थोड़ा किया, एग्जीक्यूटरी होना ही बाकी है, एग्जीक्यूटेड हो चुका है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, अगला है वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि वो इन द आईज ऑफ लॉ वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफिल करता है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवरी होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रीडियंट रहते हैं, है ना। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसे कोई इल्लीगल एक्टिविटी है ना, इल्लीगल मान सकते हैं या इल्लीगल की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन द आईज ऑफ लॉ मिथ हो। यानी कि जैसे कि आप इसको ऐसा मानिए कि राम मुझे कार बेचेगा तो मैं मिस्टर पिंटू को कार बेचूंगा, राम मुझे कार बेचेगा तो मैं मिस्टर पिंटू को कार बेचूंगा, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। आप टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए, आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया, उसने हमको कार बेची नहीं तो हमने आगे सेल करी नहीं, तो ये वॉइड हो गया। मतलब दो पार्टीज में से एक पार्टी
कोई सर्कमस्टेंसेस से अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पा रही। जैसे कि सपोज क्या हुआ कि किसी ने एक पब्लिशर ने, कौन सा, हिमालय पब्लिशर लेते हैं अपन, हिमालय पब्लिशर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक बुक लिखने का, क्या लिखने का, बुक। अब भगवान ना करे हमारे को क्या हुआ, हाथ में लग गई तो हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उन्होंने मुझे टाइम पीरियड दिया था 2 मंथ का बुक लिखने के लिए। अब हाथ में लगने के बाद मैं बुक जो है वो नहीं लिख पाया। अब ये जो नहीं लिख पाया तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। समझ में आया ना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्या है, वैलिड यानी कि उसके अंदर फ्री कंसेंट कंसीडरेशन सारे इंग्रेडिएंट है, उनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट फुलफिल होना रह जाता है तो वो वॉइड कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट सही था, मेरे को वो पैसा देने वाले थे, मैं बदले में बुक लिखने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो सर्कमस्टेंसेस, वो इल हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, वो शत्रु देश का निवासी हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था राम जी ने मुझे कार देंगे तो मैं आपको भेजूंगा, वहां से कार नहीं आई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। आगे भेजेंगे, आगे आ रहा है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट कैसे था, वैलिड था, लेकिन क्या हुआ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यह हुआ कि मिस्टेक हो गई, वो है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, थ्रेटनिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कराया, भैया मिस्टर पिंटू के सर पे गन रख दी, साइन कर, कार 1.5 लाख रुपए में लिख वरना तेरे को गोली मार दी जाएगी, गुंडागर्दी के थ्रू, दबंगई के थ्रू कराया, रंगदारी करी गई, तो ऐसे के काइंड के कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, वॉइडेबल। कौन से हो जाते हैं, शुरुआत में तो रहते हैं वैलिड लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, वॉइडेबल। समझ में आया, वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइडेबल। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए हैं हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन द आईज ऑफ द लॉ इलीगल है, यानी लीगल उनका नहीं है, जैसे किसी का मर्डर करना, जैसे किसी के नाम की सुपारी लेना, जैसे कोई ड्रग्स की सप्लाई करना, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो इन द आईज ऑफ लॉ इलीगल है, ठीक है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इलीगल, अब यहाँ पर एग्रीमेंट दिया है, आप कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, वैसे एग्रीमेंट अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आप इलीगल एग्रीमेंट भी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो एग्रीमेंट इलीगल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल ही होगा। ठीक है, अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हम फोर्स नहीं कर सकते अब होने के लिए, यानी कि इनका एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता। किसी किसान ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो बीच में कुछ उस सेम कंडीशन है कि उस किसान की डेथ हो गई, वो किसान की डेथ हो गई तो वो आपको जो सामान है वो डिलीवर नहीं कर पाया, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं कर पाया, अब जो कार थी आपको डिलीवर करनी थी मिस्टर पिंटू को, वो कार जल के राख हो गई, अब वो आग लग गई उस कार में, तो वो क्या हुआ, अनफोर्सिएबल, मतलब कि वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फुलफिल नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कहलाते हैं, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में राइटिंग में लिखे हुए होते हैं, यानी कि लिख के हमने दे दिया है कि ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, 20 तारीख को हम आके आपकी गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग हो जाता है। देयर इज नॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, ये रिटन डॉक्यूमेंट में होता है, और ये क्या है, इसकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये राइटिंग में होता है। बेसिकली एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट का गुण होता है कि वो कैसा होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा, एक मैं अभी इसमें एक्सप्रेस हो गया, आपका एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, यहाँ पर वैलिड वॉइड दोनों समझ में आ गए, वैलिड जो गवर्नमेंट की वैलिड है और वॉइड यानी कि एग्री टू राइट अ बुक पब्लिशर, ये सेम एग्जांपल है, और बीच में उसकी डेथ हो गई तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं वॉइडेबल में, मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन सी इलीगली एक्टिविटी ट्रीटेड किया गया, सुपारी, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब आ गए, इलीगल भी आ गया।
अनफोर्सिएबल। अनफोर्सिएबल में क्या हुआ कि एक पार्टी अपने डिफीट हो गई यानी दिवालिया घोषित हो गई। अब इसके अंदर मर जाना भी हो सकता है और दिवालिया घोषित भी होना हो सकता है। तो अनफोर्सिएबल इज अ सिंपल एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनफोर्सिएबल वॉइड यानी कि वो तो हो ही नहीं सकता है ना। और अनफोर्सिएबल में कोई एक पार्टी जो है वो एग्जीक्यूट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब कि वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकती। आप सोच रहे थे कि माइकल जैक्सन कहाँ आएगा, मलेशिया में आएगा। एक बहुत अच्छा कैंपेन था, माइकल जैक्सन भाई साहब मलेशिया में आने वाले थे और पेप्सी के लिए वर्कआउट करने वाले थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने वाले थे। वहाँ पे एक कंसर्न रखा था जिसमें उन्होंने डांस परफॉर्मेंस देनी थी। माइकल जैक्सन साहब जब एंड टाइम पे आने वाले थे तो उनको क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन होने के कारण वो मलेशिया नहीं जा पाए। तो क्या हुआ, ये कहलाया अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बंदा ही बीमार हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही अनफोर्सिएबल हो गया। उसमें जो आपका म्यूचुअल सेटलमेंट है वो एग्री कर लिया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Void, voidable और illegal agreement जो मैंने आपको बताया, illegal contract भी लिख सकते हो जो in the eyes of the law valid नहीं है। Express, executory, unilateral, where only one party, सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। इसके अलावा कोई भी पॉइंट अब बचा नहीं है। आई होप सारा 20 मिनट के अंदर मैंने इन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा इससे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है छोटा भी बनता है, देखते हैं आपकी किस्मत में क्या आता है। अपन ने दोनों की तैयारी कर ली है। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।